जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय बजरंगबली। प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज की एक ऐसी शक्तिशाली चमत्कारी चौपाई, जिसे अगर आप दिन या रात किसी भी समय बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ या सुन भी लिया तो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की तत्काल कृपा होगी। प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी है, रोग बीमारी से परेशान है, पैसा घर में नहीं टिकता है, घर ही घर में झगड़ा बना रहता है, कोई आपकी नहीं सुनता है, तो प्यारे भक्तों, इस शक्तिशाली चमत्कारी चौपाई का जप आपको जरूर करना चाहिए। इस चमत्कारी चौपाई का फर्क आपको पहले दिन से देखने को मिलेगा। प्यारे भक्तों, इस चौपाई का प्रभाव मुख से निकलते ही देखने को मिलता है। वहीं इस चमत्कारी चौपाई का जप करना बहुत ही सरल और आसान है। प्यारे भक्तों, अगर जीवन में कठिनाई बहुत ज्यादा है, हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आए दिन घरेलू कलह से परेशान है, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है, किसी नौकरी या धंधे में सफलता नहीं मिल रही है, तो संकट मोचन हनुमान जी महाराज को सच्चे मन से याद करके इस चौपाई को मन ही मन में बोल देना। स्वयं संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, हर काम बनने लगेंगे, रोग दोष से छुटकारा मिलेगा, वहीं जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज की इस शक्तिशाली चमत्कारी चौपाई के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज की कृपा सदा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द एमएस वाइफ को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे भक्तों, इस चमत्कारी चौपाई को अच्छे से याद करके कहीं नोट भी कर लीजिए और इस वीडियो को उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो आपकी तरह ही परेशान रहते हैं, क्योंकि आपकी वजह से उन लोगों का भी भला हो सके। प्यारे भक्तों, चौपाई है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, नाफे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। प्यारे भक्तों, अगर आप इस चौपाई को मन ही मन हनुमान जी को याद करके जप करते हैं तो आपको सभी परेशानियों से छुटकारा जरूर मिलेगा। प्यारे भक्तों, आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द एमएस वाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।